नीतिवचन अध्याय 17। नीतिवचन अध्याय 17। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबली पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते है, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। मूढ़ को उत्तम बात फपती नहीं, और अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं फपती। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मनी का काम देता है। जिधर ऐसा मनुष्य फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराधों को ढाप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट कर देता है। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतनी 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाता है। बच्चा छिनी हुई रिचनी का मिलना और भला है, परंतु मूर्ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर में बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है, वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के यहाँ उत्तरदायी होता है। जो झगड़े झगड़े में प्रीति रखता वह अपराध करने में भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ जाता है। जो मूर्ख को जन्माता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। दुष्टजन न्याय बिगाड़ के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सिधाई से कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं है। जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है सोई समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है।